तो गैस मैं दिखा रहा हूँ वही एक किला है, ये पट्टी ढिलवासी का लखनऊ ज़िला लगता है। ये देख लीजिए यहाँ पे मंदिर है, ये सब है। यहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है महाराजा टिकननाथ पासी किला, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक इधर रखा हुआ है कुछ, तो इसके चारों तरफ बहुत घूमने वाली पार्क भी बनी है, बहुत अच्छी है। और इधर काफी जंगल भी है। बहुत सारा, बहुत दिक्कत होने की उसमें। मैं आप राजा साहब जो यहाँ के थे तो मैं वो उनको दिखाना चाहता हूँ, उनकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ये राजा साहब की तस्वीर है, किसकी है तस्वीर आप बता सकते हैं? ये राजा साहब की तस्वीर है। अच्छा, टिकननाथ पासी किला यानी कि ये महाराज यहाँ के थे। अच्छा, ये राजा साहब की तस्वीर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। युद्ध में किसके साथ युद्ध हुई थी यहाँ पर? उदयराज के साथ। उदयराज के साथ? अच्छा, उदयराज कहाँ पे रहता था वो? ये उदयराज महोबे में रहता था। अच्छा, और ये जब सीतापुर का जो किला आप लोग जानते हो, सीतापुर का किला, सीता पासी वहाँ पर रहते थे। अच्छा, वहाँ पर उदयराज कब चढ़ाई कर दिया था। अच्छा, और उदयराज जब चढ़ाई कर दिया था तो सारे जितने ये राजा पासी किले थे सब पासी ही बिरादरी के थे। अच्छा, हाँ, इसीलिए इन लोगों को न्योता आया कि वहाँ पर उदयराज ने घेर लिया तो ये लोग वहाँ पर बचाने गए थे। अच्छा, तो ये लोग वहाँ पर मारे गए क्योंकि उदयराज बलशाली था। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा बलशाली था उदयराज, 100 हाथियों का लोग कहते उसके बल था। और इसीलिए ये मारे गए थे। अच्छा, उसके बाद बल बहुत था और ये लोग कमजोर थे क्या? क्योंकि उसके 100 हाथियों का बल था। अच्छा, और इनके इंसान ही घर था क्योंकि जिस वक्त वो पैदा हुआ था लोग कहते हैं उस समय सारी पृथ्वी डोलने लगी। अच्छा, इतना बड़ा वो बलशाली था। अच्छा, और सांसद साहब ने इसको निर्माण कराया है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। ये अंदर में इसके चेयर रखी हुई, कुर्सियाँ हैं सब पड़ी हुई अंदर। और ये तस्वीरें भी दिखा दो, ये अंदर ये राजाओं की, इसके अंदर ये तस्वीर लगी हुई है, आप लोग सब देख सकते हैं। ये आप लोग सब देख सकते हैं तस्वीर। ये सारी तस्वीर राजा साहब की यहाँ पे लगी हुई है। ये अच्छा मन है अमर शहीद 20 अमर शहीद पासी, ये भी है कोई राजा थे? हाँ, ये भी राजा है। राजा महादेव पासी ये भी थे? हाँ, सब जितने भी राजा थे यहाँ अपने यहाँ लखनऊ सीतापुर और बरेली में ये सब लोग पासी भी थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो इसके अंदर जो है ये पार्क वार्क बनी है नहीं? यहाँ पर पार्क तो नहीं है लेकिन काफी दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, आते हैं। हाँ, और यहाँ जब शिवरात्रि होती है तो इसको इसके चारों तरफ बाउंड्री, यहाँ से चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है और बाउंड्री नकुल दुबे ने इसे बनवाया था। अभी अच्छा, नकुल दुबे ने इसको बाउंड्री करवाई थी। तो उनको भी काफी सामान मिला था यहाँ पर। अच्छा, जो है जब खुदाई चल रही थी उनको भी सामान मिली थी। अच्छा, तो जब सामान मिली थी तो उसने ये दावा किया था कि हर शिवरात्रि को शिवव्रत होता है, हर शिवव्रत को यहाँ पर शादी करवाएंगे। उसी से यहाँ पे शादी होती है। जितने भी गरीब व्यक्ति हैं आते हैं, बहन लड़के लेकर और लड़की लड़के वाले सब भी आते हैं नकुल दुबे, उनकी सबकी शादी करवाते हैं अपने मजहब से। अच्छा अच्छा, और पैसा सब वही लगाते हैं? सारा पैसा और जो दहेज वहेज है, बर्तन वर्तन सब। अच्छा, बर्तन बक्सा बेड वेड सारी वही देते हैं, नकुल दुबे जी देते हैं। नकुल दुबे ठीक है, सांसद नहीं है लेकिन फिर भी वो देते। वो सांसद इस समय भाई हम खत्म हो चुका है उनका। ये आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक आत्मा भी भटकती रहती है। आप लोग देख सकते हैं कैमरे में
ये देखो दिख रहा है आत्मा, ये देखो दिख रही आत्मा, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये देखो ये बहुत बड़ी एक आत्मा है, ये लाइट दिख रही है, ये सब तरफ चलती रहती है आत्मा, ये देखो ये है आत्मा, ये सब तरफ चलती है आत्मा। हाँ ये जंगल भी है इधर है। हाँ काफी जंगल है। अच्छा पूर्वांचल जो है अभी यहाँ पर घर बनवा लिए हैं। अच्छा मान लो किला तो नहीं रहा लेकिन घर बनवा लिए, घर उनका सबका बना हुआ है यहाँ पर। हाँ चाहो तो चलकर दिखा सकते हैं। वहाँ रहने दो अभी जाने के लिए, फिर आएंगे अगली बार तो बताना आप उसके बारे में, ठीक है।